सो इट्स 10 AM इन गुवाहाटी एंड दिसंबर के वक्त जब बारिश गिरता है गुवाहाटी और भी खूबसूरत बन जाता है। एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम मेघालय, आपने मेघालय वाला व्लॉग देखा ही होगा, मैंने सोचा कि ये माउंटेन से घिरा हुआ जो सिटी है बहुत ही खूबसूरत है अंदर से और बाहर से भी। इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा मजे किया जाए। तो मजे करने के लिए सबसे पहले हमने बोले बॉलिंग बॉल वगैरह भी ट्राई किया, जो कि मेरा पहला बोल सकते लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था बॉलिंग बॉल, और वो काफी अच्छा था। एंड उसके बाद हमने वर्स्ट VR एक्सपीरियंस भी वगैरह किया जो कि बहुत बेकार था, वो आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड बहुत सारे बच्चों वाले चीजें भी किया। एंड उसके बाद हम वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते कि गुवाहाटी का बेस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट बोल सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग गए ऑलिव गार्डन, वहाँ का खाना हमने ट्राई किया जो कि बहुत ही टेस्टी था। एंड वहाँ के शेफ वगैरह से भी हमने बातें किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। एंड ऑलिव गार्डन से हमने बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट हमने कैप्चर किया जैसे कि देख सकते हो, तो बहुत ही मजा आने वाला आपको इस व्लॉग में। चलिए देखते हैं हमारा डे कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा दिन का शुरुआत होता है बहुत ही एक वाहियात कैब ड्राइवर से। खुदा ना खास्ता आपको ये कैब ड्राइवर कभी ना मिले वरना आपका दिन तो क्या हुआ। हमको देखना था ब्लैक एडम, उस टाइम पे ब्लैक एडम रिलीज हुआ था और हम लोग कैब वैब पे बैठ गए। एंड बैठने के बाद ये आदमी कुछ देर चलने के बाद बोलता है कि मेरे पास ना UPI है, ना ऑनलाइन पेमेंट, ना जीपे, फोन पे कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम लोग ATM से उठा के दे देंगे। और बाहर का व्यू वैसे भी बारिश में काफी अच्छा दिख रहा था, तो हम ना वो चीज इग्नोर करके आगे चल रहे थे। तो नजारे वगैरह एंजॉय करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे हमारे डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ये इंसान बोलता है कि हमको कैश ला के दो। तो ठीक है, ये 2 किलोमीटर दूर लेके गया हमको ATM के पास, और वहां जाके मैंने कैश उठाया बारिश में भीग के। और तब तक हमारा मूवी का जो टाइम था वो पार हो चुका था। हमने सोचा चलो मूवी मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इस कैब वाले को इसका पैसा दे देते हैं, तो मैं वहां से कैश उठा के लेके आता हूं। और ये बोलता है उसके बाद बारिश में भीगने के बाद बोलता है कि मेरे पास खुला नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मास्क वगैरह खरीदा और उसके बाद इसको पैसा दिया। तो चलो एक दिन हुआ कोई बात नहीं, होता है तो चलता है, कैब ड्राइवर है चलता है। लेकिन दिक्कत तो तब हो गया, मैंने 2 महीना बाद रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक किया और यही मनहूस इंसान मेरे को मिलता है। और मेरा दिमाग चकरा गया और मैं दूसरा कैब बुक भी नहीं कर सकता, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था। इसने क्या बोला कि मेरा प्राइम कार है, आपने तो मिनी बुक किया था, आपको ज्यादा पैसा देना होगा। मैंने बोला ठीक है चलो 100 रुपए ज्यादा दे देता हूँ। तो 100 रुपए ज्यादा मैं ना ये मान गया। ठीक है, मानने के बाद कुछ दूर जाने के बाद ये बोलता मेरा ना लॉस हो रहा है, मैं एयरपोर्ट जाने के बाद मेरे को अकेला आना होगा, मैं कैसे आऊँ, ये वो। इतना दिमाग चाटने लगाना मेरा। फिर उसके बाद ये पूरा जगह रुक रुक के गया लोगों को ढूंढते हुए कि किसी को उठा के ये जाएगा। ऐसा करते 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 बाद में जाके किसी और का कैब का जब बुक आया उसको भी उठाया कार में, मेरे को भी उठाया, सबको लेके गया। और लिटरली मेरे को हार्ट अटैक दिलाते दिलाते ये पहुंचा दिया 3 मिनट पहले एयरपोर्ट में। सोचो 3 मिनट में मैंने वहां पे सब चेक इन वगैरह किया उसके बाद जाके बैठा, वरना 3 मिनट में अगर ये लेट करा देता उस दिन तो मूवी छूट गया इसकी वजह से और रिसेंटली मेरा फ्लाइट भी छूट जाता। और ये इंसान ऐसा ही आपको अगर दिखता है, ये मोस्टली 6 माइल रहता है, तो आप एक बार चरके देखना, आपका दिमाग का दही अगर नहीं किया ना तो मेरा नाम चेंज कर देना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। बहुत ही खराब मतलब टाइम छूट गया, अभी तो देख नहीं सकते। तो अभी क्या किया हम लोग, 1 किलोमीटर दूर में सिटी सेंटर में आ गए और यहाँ पे सोच रहे थोड़ा सा बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं, कुछ है नहीं करने को, तो देखते क्या होता है आगे जाके। तो मिराज बोल रहा है कि इधर VR को एक्सपीरियंस करना है, तो देखते 100 We can choose. क्या क्या है यहाँ पे? Roller coaster is this. This one. Yeah. If you want horror, then bloody road is best. Try करेगा? चल. करते हैं. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं VR test. क्योंकि कुछ है नहीं करने को तो यही करना होगा आज. तो देखते हैं roller coaster कैसा लगता है ride VR में. ये हमारा मिराज हो रहा है. Ready? गाइस 200 रुपये अभी हम लोग खो के आए, वो भी बिना टेस्टलेस, मतलब कुछ भी नहीं है यार। VR का क्या ही गंदा एक्सपीरियंस करवाया हम लोगों को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो गाली दे के व्लॉग को बीप करना पड़ेगा अभी व्लॉग को। यार सुबह से सब कुछ बकवास हो रहा है हमारे साथ। अगर सिटी सेंटर आते हो तो ये VR वाला एक्सपीरियंस मरने से भी मत करना, इससे अच्छा 200 रुपये किसी गरीब को दे देना, वो बेस्ट होगा। हमको लगा कि मूवी नहीं देख पाए तो यही कर लेते हैं, लेकिन अभी चलिए देखते हैं और किसमें पैसा फूकना बाकी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी जिसमें ट्राई करेंगे वो भी बकवास होने वाला है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है, कितना बकवास हो सकता है।
ऊपर वाले को नहीं बोल रहा, ऊपर वाले हमारे ऊपर वो मत कर रहा, किरा देखते और कितना बकवास हो सकता है। अभी हम लोग जा रहे हैं बॉलिंग बॉल करने, पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। अमेजिंग टाइम बॉलिंग बॉल में, अच्छा लगा कि हमको एक कार्ड भी मिला, तो पिछली बार आएंगे तो ये कार्ड दिखा के हमको फ्री में बॉलिंग करने मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, आपके भाई ने 3-4 गोल मारे पूरा एकदम अच्छे से, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा एकदम गिर गया, लेकिन हाँ 2 times पूरा गिरा दिया मैंने भी, मिराज ने भी, काफी अच्छा लगा। तो आप भी विजिट कर सकते हो जरूर से। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देखते आगे क्या करते हैं। तो अभी हम लोग सिटी सेंटर से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत पेट पूजा करने के लिए ऑलिव गार्डन। तो ये दिखने में काफी सुंदर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ऑलिव गार्डन यहाँ का कैसा व्यू आता है यहाँ से, और थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, ड्रोन वगैरह उड़ा नहीं सकता। तो चलिए आपको दिखाता हूँ नज़ारे। ऑलिव गार्डन ये दिखने में काफी सुंदर है रेस्टोरेंट, काफी ज्यादा ही सुंदर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सब कुछ एक साथ दिखाता हूँ, और इनसे पूछता हूँ कि हम यहाँ पे ड्रोन शॉट वगैरह ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पे नाम वगैरह एंट्री कराने के बाद हम लोग इनसे पूछे कि यहाँ का हम लोग सिनेमेटिक्स वगैरह ले सकते हैं कि नहीं। तो सिनेमेटिक्स इन द शॉट्स वहाँ पे ड्रोन वगैरह भी इंक्लूडेड होगा। तो पूछने के बाद हमको फाइनली परमिशन मिल चुका था यहाँ पे ड्रोन वगैरह उड़ाने के लिए, एंड उसके बाद के नजारे आप खुद ही देख सकते हो। सक्सेसफुली ऊपर का व्यू और गुवाहाटी का व्यू थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया अच्छा खासा, और हमारा मीरा यहाँ पे खाना ऑर्डर कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, ड्रोन शूट वगैरह कर रहे थे, तो हमारा खाना भी आ चुका था, और यहाँ पे हमारा जो शेफ है उन्होंने बोला कि इनका भी एक चैनल है, तो इनका चैनल का क्या नाम है वो सुन के आप लोग प्लीज इनको सब्सक्राइब कर देना। क्या नाम है आपका चैनल का? हमारा शेफ इमानुएल कुकिंग चैनल का नाम है, तो कुकिंग से रिलेटेड चैनल है। आप क्या डालते हैं उसमें, मतलब वीडियो? खाना साना बनाया, रेसिपी डालते हैं, रेसिपी के वीडियोस डालते हैं, और हम खा के देखते हैं, खाने के बाद इनका खाने का टेस्ट भी बताएंगे, और उसी हिसाब सबको बोलेंगे कि आप इनको चैनल को जरूर से चेकआउट करना। मैं पहले ही बोला मतलब अच्छा ही होगा ऑलिव गार्डन, ये मतलब बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इनके चैनल का लिंक और नेम डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना, ठीक है? अभी खाते हैं। रूफटॉप से ऑलिव गार्डन से, मीराज खाना कैसा था? खाना तो मस्त था भाई, खाना सही बनाया बहुत। तो जो वो भाई आए थे उनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। और रही बात ऑलिव गार्डन की, तो आई होप आपको ड्रोन शॉट वगैरह अच्छा लगा होगा। अभी हमारा सब कुछ हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और इतना तक ही था आज का व्लॉग। व्लॉग आप जो भी बोलो, आई होप आपको ये वाला व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, वीडियो को अच्छे कमेंट कर देना, आपको कैसा लगा, आए थे कि नहीं ऑलिव गार्डन में, और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना। और इसी के साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर राइट साइड में बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं लोग आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग करते हैं। बाय बाय।